नमस्ते दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अपने पीएलसी प्रोग्राम में एक टाइमर से आप एक ही समय में तीन चार आउटपुट ऑन करा सकते हैं। जैसे हमने वैल्यूज की टाइमर की मान लो कि 200 डाल दी है, तो 50 होगा तो एक आउटपुट ऑन हो जाएगी, 100 पे एक आउटपुट ऑन होगी और 150 पर एक आउटपुट ऑन होगी और 200 पर होने पर चौथी आउटपुट हमारी ऑन हो जाएगी। तो उसका आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा मैं हर प्रकार का प्रोग्राम आपको, आरएलसी का भी, पीएलसी का, और ये जीओटी हमारी 1000 है इसके बारे में भी मैंने प्रोग्राम बनाए हैं, और फानुक सिस्टम के बारे में भी, ओआईटीडी के बारे में मैंने प्रोग्राम कुछ बेसिक चीज बताई है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पे शेयर करनी है या आपको सर्च करनी है तो आप खाटू श्याम को पीएलसी प्रोग्राम आप लिख सकते हैं और सर्च कर देंगे। तो इस प्रकार का ये मेरा लोगो है, ये लोगो ओपन होगा तो इस लोगो पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के आप आपको एक विंडो खुल जाएगी। विंडो खुलने पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें सभी आप वीडियो देख सकते हैं। आरएलसी की वीडियो मिलेंगे आपको, पीएलसी की भी और जीओटी 1000 की भी और फानुक सिस्टम ओआईटीडी की भी, सब प्रकार की वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये आपको खाटू श्याम पीएलसी प्रोग्राम लिख कर ही आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। इसे पहले आप मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइबर, जब आप खोलोगे तो ये सब्सक्राइबर का बटन दिख रहा होगा आपको, ये सब्सक्राइबर अवश्य करें। जिस दोस्त ने सब्सक्राइबर कर दिया है तो बहुत अच्छा है, अगर जिस दोस्त ने नहीं सब्सक्राइबर किया है तो सब्सक्राइबर कर लीजिए ताकि आपको मेरी द्वारा डाली गई वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से मेरी वीडियो सभी आपको मिल जाएंगी, उसमें जो भी वीडियो है वो आपको हर प्रकार की वीडियो मिलेगी। और सब्सक्राइबर करने पर एक बार ये बेल की आपके पास घंटी है, इसको भी आप दबा दीजिए। तो चलते हैं, किस प्रकार से प्रोग्राम बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है, ये टाइमर है, एक इनपुट मैंने ऑन किया है और इसमें देखो दोस्तों मैंने 200 वैल्यू डाल दी है। 200 वैल्यू डाल दी तो मैंने 50 पर एक आउटपुट ऑन होगी हमारी एक ही टाइमर से, और 100 वैल्यू होते ही हमारी दूसरी आउटपुट, ये हमारी इंटरनल मेमोरी है, ये ऑन हो जाएगी, और 150 होने पर ये ऑन हो जाएगी और 200 होने पर ये ऑन हो जाएगी। इसे मैंने आउटपुट भी ऑन करा लिया दोस्तों, देखो M0 से Y, M1 से 1Y1 और M2 से Y2। इस प्रकार से मैंने आउटपुट ऑन करा दिया है। अब मैं आपको दोस्तों इसको रन कराकर दिखाता हूँ, ये एक ट्रायल वर्जन है, इसको मैं रन कर देता हूँ। अब ये रन हो रहा है, आप भी अपनी इस प्रकार से प्रोग्राम बना सकते हैं, आपको ज्यादा टाइमर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अब एक टाइमर से आपका काम हो सकता है। ये अभी रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम। देखो दोस्तों ये रन हो गया प्रोग्राम, तब मैं आपको इसको फोर्सली ऑन करता हूँ और ऑन कर कर आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये हमारा ऑन हो गया है, देखो इसमें वैल्यू चलने लग गई, 50 होते ही हमारी आउटपुट देखो ऑन हो गई दोस्तों। अब हमारी ये वैल्यू है 100 होते ही आउटपुट हमारी ऑन हो जाएगी देखो, और 150 होते ही ये आउटपुट ऑन हो जाएगी हमारी। देखो इस प्रकार से आप सिक्वेंस वाइज अपनी आउटपुट ऑन कर सकते हैं, और 200 होने पर ये दोस्तों देखो आप, ये आउटपुट हमारी ऑन हो गई है। इस प्रकार से वैल्यू हमारी ये 200 हो गई है पूरी है, और ये अलग अलग हमारी इंटरनली है ये दोस्तों, ये एक समय में ही एक बार सिर्फ इंचिंग होंगी, तो ये मैंने यहाँ पे होल्डिंग दे दी है और इसको आउटपुट को ऑन कर दिया है, ताकि एक बार समय ऑन होंगी तो आपको ये यहाँ से होल्ड होकर ये ऑन हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी पीएलसी में एक ही टाइमर से आपको जितनी इच्छा है यहाँ पे 100 की जगह 70 भी लिख सकते हैं, 120 भी, जितनी आपको वैल्यू पे ऑन करवाना है टाइमर को आउटपुट, उतना यहाँ पे आप डाल दीजिए और उस हिसाब से आपको आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से अपनी पीएलसी में एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि हमको कितना नंबर आउटपुट और कितने टाइम पे ऑन करानी है तो आप ऑन करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक
और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और ये बेल का बटन भी आप जरूर दबाइए, इस प्रकार से मेरा लोगो मिलेगा आपको वहां पे यूट्यूब पे। आप यहाँ पे शेयर सर्च करोगे, आप ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।